कुछ तो बड़ा होने वाला है दया कुछ तो बड़ा होने वाला है सो वेलकम बैक इन टू माई यूट्यूब चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार जो आपका खुद का चैनल भी है uh, आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं मैंने लास्ट एक महीने पहले बनाई थी दो महीने पहले भी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस शेयर पे नज़र रखना ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न तो देगा गई दस हज़ार के मैंने टारगेट भी बताए थे और आज इस शेयर में कुछ ऐसा हुआ है अचानक बाज़ार में कि अपर सर्किट लग गया है और अच्छे खासे जिसने भी वीडियो देख के उसे परचेज़ किया होगा उस टाइम भी चाहे दो महीने पहले चाहे एक महीने पहले सत्तर अस्सी परसेंट के रिटर्न आप पे बैठा होगा ओके वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं उस और मैंने आपको बताया भी थे मैं आपको सबूत भी दूंगा आपको बताऊंगा भी मैंने वीडियो के बारे में बताया था तो कुछ बड़ा होने वाला है शेयर कुछ फंडामेंटल भी जानेंगे और तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ पहले तो आपको दिखा देता हूँ देखिए मार्केट आराम से चल रही थी ओके बट अचानक ही धीरे धीरे इसमें लग गया अपर सर्किट ये जो शेयर है अपर सर्किट में लग गया और ये अब अपर सर्किट में खेल रहा है क्यों खेल रहा है ओके जो मैं अपना व्यू भी बताऊंगा क्योंकि शायद इस वजह से भी हो सकता है और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ इसमें बड़ा भी हो सकता है ओके okay, तो आइए वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें आज के दिन आज के दिन में लगभग 53 थ्री परसेंट फिफ्टी परसेंट के इसने रिटर्न दी है और मैं अगर बाता 10 साल में 10 साल के शायद कंपनी को हुआ और दस साल नौ दस साल हुए और नौ दस साल में न इस कंपनी ने इस कंपनी ने आपको अट्ठारह सौ परसेंट रिटर्न दी अट्ठारह सौ परसेंट मार्च में तीन पर चल रहा था आज के दिन देखिए तीस दिसंबर को फिफ्टी टू वी खाई लगाया था सत्रह सौ पचास उसके बाद गिरा था ओके और नीचे आया था लगभग नौ नौ सौ के आसपास आ गया था मैंने फिर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि शेयर पे नज़र रखना तो आज फिर दोबारा भाग गया है सत्रह सौ और देखिए ये तो क्रॉस कर ही देगा ओके एक दो दिन में और अगर हम रिस्क रिटर्न्स की प्रोफाइल देखें तो देखिए वन डे टेन परसेंट का सर्किट वन वीक वन मंथ अगर एक साल की बात छः महीने की बात करते हैं तो एक सौ चालीस परसेंट के रिटर्न है एक साल की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर मार्केट कैश हो गया तो एक सौ उन पचास परसेंट के दो साल में चार सौ परसेंट के रिटर्न ओके okay, एंड चार साल में आठ सौ परसेंट के रिटर्न पाँच साल में सोलह सौ परसेंट के रिटर्न इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ओके okay. इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो और मैंने आपको हमेशा बताया था मैंने बार बार बताया था कि इस शेयर पे नज़र रखना जब भी मौका मिले डिप पे खरीदते रहना इसे अपने पोर्टफोलियो में रखोगे अपने आप ठीक है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाते जाओगे दस पंद्रह साल में लखपति करोड़पति इसी शेयर से बन जाओगे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है ना काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छा है तो जिस शेयर से रिलेटिव बातें कर रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड काम क्या करता है फूड एंड बेवरेजेस पर्सनल केयर होम केयर लेदर मतलब ये इस, ये जो प्रोडक्ट आप घर पे यूज़ करते हो ना संतोर शावर टू शावर फेरेक्स नॉर पेपरबोट ओके हर्ष पपीज ओके एरोज यूएस पोलो गेबर तो इनके लिए ये बनाता है प्रोडक्ट ओके सर्फ एक्सल रेन मतलब इसके जो क्लाइंट है ना अगर आप इसके क्लाइंट देखेंगे तो जितने भी एफ के दिग्गज है ओके okay, अगर मैं बात करूँ एच यू की मैं बात करूँ आई की मैं बात करूँ यूएस पोलो की मैं बात करूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की जो एफ में डील करती है देखिए रेड लेबल ताजमहल ब्रू थ्री रोजेज सनसिल्क बॉम्बे शेविंग कंपनी तो सारे के सारे कंपनीज के लिए ये मैन्युफैक्चर करता है ये प्रोडक्ट्स को ये प्रोडक्ट्स बनाता है मतलब एच यू एल का तो ये बाप है ठीक है कहने और सच कहता रहूँ ये आगे चल के और बेहतरीन रिटर्न आपको दे भी देगा ओके रिटर्न तो देगा ही देगा बोनस तो और उससे भी आपकी झोली भर देगा ओके और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड आज के दिन में लग गया पर सर्किट अगर बात करें इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए कभी ये शेयर बीस उन्नीस रुपये पे होता था छः सात पहले एक पाँच रुपये पे और अगर मल्टी देखें इसके टोटल रिटर्न तो चौंतीस सौ परसेंट के रिटर्न मतलब सात आठ साल में चौतीस सौ परसेंट के रिटर्न थर्टी फोर थाउजेंड परसेंट के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या है मतलब क्या बवाल है अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या बताया था तो देखिए यहाँ पर दो वीडियोस हैं यहाँ पर देख सकते हैं बोनस और रिटर्न से झोली भर देगा आपकी ओके दस हज़ार का टारगेट पाँच साल में मैंने बताया था इसकी परफॉर्मेंस देख के उस टाइम शेयर प्राइस था सोलह सौ रुपये और उससे भी पहले अगर जब मैंने वीडियो बनाई थी ओके उस टाइम ये इसका प्राइस था कितना मैं आपको दिखा देता हूँ नौ रुपए के आसपास था और उसके बाद भी सोलह सौ सो बनाया था तब भी मार्केट गिरी थी उसके बाद और कहा था कि गिरे जितना गिरे बाय ऑन डिप्स हाँ पे यहाँ पर खरीदते रहना ओके तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको यहाँ पर एक मिनट अभी आगे देख दीजिए तो देखिए यहाँ पर आपका और ये कंपनी मैन्युफैक्चरर का कॉन्ट्रैक्ट इन लेती एज वेल एज देखिए एक मिनट देख दीजिएगा यहाँ पर ये तो अगर यहाँ पर देखें हम तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने कहा था कि यूनि हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही डायरेक्ट मैंने इसका कंपैरिजन किया था ओके ये शेयर काफ़ी बेहतरीन था और इसका प्राइस कुछ खास नहीं था इसका प्राइस बिल्कुल ही नौ सौ के आसपास था उस टाइम भी ओके तो अगर आप उस टाइम भी इस इस कंपनीज को खरीदते ना और और फ्यू फॉरेन इन्वेस्टर और डी मतलब इन लोगों ने तो ये शेयर में भर भर के ख़रीद रखा है ओके इतने शे, शेयर खरीद रखे हैं इस कंपनी के कि कह नहीं सकते तो बिज़नेस मॉडल भी देखिए मैंने यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया है और देखिए यहाँ पर उस टाइम शेयर की कीमत कितनी थी नौ सौ आप देख सकते हैं हिंदुस्तान फूड लिमिटेड ये मेरा ही चैनल है आप लोगों का चैनल है बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार इसमें देखिए छः दिसंबर को मैंने बताया था नौ सौ रुपये शेयर चल रहा था सत्रह सौ रुपये आज आपको देखता हुआ मिल रहा है पूरा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो को अभी लिंक ऊपर दे दूंगा आप इसे पूरा देख लीजिएगा एक बार बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ जाएगा ओके अगर मैं आपको बताऊँ देखिए और भी आगे चीज़ अगर यहाँ पर देखें सत्रह सौ का तो रिटर्न चल रहा है इसका पी है वन ट्वेंटी सिक्स अठारह परसेंट के आर ओ सी के साथ ये आगे बढ़ रहा है अगर बात की जाए पाँच साल से पचपन परसेंट के सी ए जी आर पे अगर दस साल अगर दस लाख रुपए लगा दिए होते हैं पाँच साल में तो पचपन परसेंट के सी आर से चल रहा है तो मतलब आपके पैसे आप सोच सकते हो कितने हो गए होंगे अगर तो क्योंकि बीस साल में पाँच दस परसेंट दस लाख पाँच तीस परसेंट किसी एचीआर से बढ़कर बढ़ता है तो सौ करोड़ रुपए होते हैं सेल्स देख लीजिए सेल्स छब्बीस करोड़ की सेल दो में आज की डेट में तीन सौ करोड़ रुपये की सितंबर तक की सेल है नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आठ करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ़िट हुआ है सॉरी और अगर ओवरऑल बात की जाए तो देखिए इस बार के बारह महीने की सेल नौ है जहाँ कभी चार करोड़ की सेल हुआ करती है वहाँ नौ करोड़ रुपए की देख रहे हो आप इसका बिजनेस क्या बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट की बात की जाए जहाँ घाटे में चल रही थी 26 करोड़ का प्रॉफिट ओके कंपनी ने अलग अलग कैपेक्स में भी खर्च कर रही है वो भी मैंने अपनी इससे और पहले भी वीडियो बनाई थी, थी तब बताया था ओके रिजर्व देखिए कंपनी के पास वन सेवेंटी नाइन करोड़ के रिजर्व है बॉरिंग कंपनी का वन फिफ्टी एट है वन फिफ्टी एट क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो कैपेक्स के लिए अपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी खर्च कर रही है ओके इसलिए यहाँ पर आपको कैपेक्स पैक्स यहाँ पर कर्ज लेते हुए यहाँ पर कंपनी देख रही है बट कोई इशू नहीं है क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है बिजनेस में खर्च कर रही है आपको बिजनेस में खर्च कर रही है तो आप देख सकते हैं क्लाइंट क्या क्या, -क्या, क्या क्लाइंट है एक्चूएल के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं आई के प्रोडक्ट आप यूज यूज़, यूज़ करते हैं यू एस पोलो आप यूज़ करते हो हज आप यूज़ करते हो तो सभी चीज़ तो आप यूज़ करते हो जब यूज़ करते हो तो ऑबीसी बात है कंपनी है भागेगी यहाँ पर देखें तो देखिए प्रमोटर का 62 परसेंट की हिस्सेदारी है जो इन्होंने मार्च में ही बढ़ाई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए 6.63 परसेंट की हिस्सेदारी है अगर बात की जाए डीआईएस की 7.7 से 5.6 परसेंट की पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास 23 परसेंट की हिस्सेदारी है और 23 भी नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर तीन और चार सात और दो नौ uh, दस मतलब ग्यारह परसेंट के लगभग की हिस्सेदारी किसने और लोगों ने ले रखी है मतलब दस बारह परसेंट की हिस्सेदारी पब्लिक ने ट्रेड कितने होते हैं केवल थोड़े से शेयर के ट्रेड होते हैं कोई बेचना ही नहीं चाहता है इसके शेयर और ये शेयर इसमें अपर सर्किट क्यों लगाया है जो मुझे क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा मतलब रिसर्च किया कि क्यों लगाए क्यों लगाए मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं बट मुझे जो लगता है वो लगा है इसलिए क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो परसों की डेट में आने वाले हैं आज दस तारीख है ओके आप देख सकते हैं और ये बारह तारीख बारह तारीख़ की डेट में इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है शायद कुछ हमें भगवान से प्रे करेंगे कि बोनस वोनस कुछ कंपनी दे दे क्योंकि इतनी भागी है ओके डिविडेंड तो शायद दे ही देगी ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ मिल गया तो देखिए आप सबको मिल जाएगा मैंने भी उस टाइम ही खरीदे थे मैंने आपको बताया था नौ सौ आ गया है तो खरीद लीजिए ओके ये क्योंकि बेहतरीन कंपनी है नज़र आ रही है और गिरी थी दोबारा गिरी थी वो चौदह से फिर दोबारा गिरी थी ओके तो इसलिए ऐसी कंपनी पर नज़र रखते हैं जो कि अब आपके पैसे को मल्टी तो इसे कहते हैं मल्टी शेयर ओके okay, जो आप छोटे छोटे शेयर देखते हो ना उसे मल्टीपैगर नहीं ऐसी कंपनीज को मल्टीपैगर कहते हैं जिसका बिजनेस मॉडल भी धासु हो और जो कंपनी ऐसी ऐसे भागे कितने परसेंट की चौतीसौ परसेंट की रिटर्न तो इसकी तरफ थोड़ा नजरें बनाना कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर लेना और एज वेल एज एस ऐसी भागती हुई रैली में कभी पार्टिसिपेटमेंट करना और हमेशा मैं आपको बताता हूँ ओके okay, जितना अगर आपको डिप में खरीदने का मौका मिलता है तो उससे चूकना मत ओके okay, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करेगा एज वेल एज़ हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपकी खुद का चैनल है इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं अपने चैनल को और ग्रो कर सकूँ और भी लोगों के पास पहुँचा सकूँ अपने व्यूज़ ओके okay, अपनी ओपिनियन अबाउट द शेयर बाज़ार ओके और आपसे भी कुछ सीख सकूँ आप भी कमेंट करें नीचे अगर आपको भी कुछ आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ जिससे रिलेटेड या कुछ वीडियो आप चाहते हैं या कुछ पर्टिकुलर शेयर के बारे में आप बताना चाहते हैं तो मुझे बताइए मैं उससे उससे देखेंगे हम सब मिलकर कि क्या कर सकते हैं तो आइए तो थैंक यू सो मच दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा so, सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस